सो बच्चों, अब जो है आपने सेकेंड चैप्टर तो पढ़ लिया, राइट? जहां पर कि स्माइली ने आपको अपनी फैमिली के बारे में बताया और साथ ही साथ आपके फैमिली के बारे में भी कुछ जानकारियां इकट्ठा की, है ना? और यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना कि फैमिलीज तीन तरह की होती हैं, है ना? स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली, राइट? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इन्हीं नॉलेज या इन्हीं इंफॉर्मेशन पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं इनका आंसर करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक, ये टिक का मार्क लगाना है। कहाँ पर? टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है नीचे में दिया हुआ उसको आपको टिक करना है। सो फर्स्ट इज देयर आर डैश काइंड्स ऑफ फैमिलीज। तो कितने काइंड्स ऑफ फैमिलीज थे? थ्री, राइट? स्मॉल, लार्ज एंड ज्वाइंट। ब्रिलियंट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर टिक लगाएंगे थ्री के आगे में। विच काइंड ऑफ फैमिली हैज लेस देन फोर मेंबर्स? किस परिवार में चार से कम सदस्य होते हैं? तो वेल, स्मॉल फैमिली कैन हैव लेस देन फोर मेंबर्स। फादर एंड मदर आर कॉल्ड, मम्मी पापा को क्या कहते हैं, याद है? यहीं पर ना आपने पढ़ा था, फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स, राइट? तो सही ऑप्शन पर यहां पर टिक लगाना है, फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। चलिए अब यहां पर इन पिक्चर्स को हम उनके सही नाम से मैच करते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए तो कितने मेंबर्स हैं। सो वेल, वी हैव गॉट मम्मी पापा, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच बच्चे, है ना? तो ये क्या हो गया, लार्ज फैमिली, राइट? टोटल कितने मेंबर्स हो गए इसमें, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन मेंबर्स। सो दिस इज अ लार्ज फैमिली। पिक्चर नंबर टू, मम्मी पापा और दो बच्चे, दिस इज अ स्मॉल फैमिली। एंड हियर वी हैव दादा, दादी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची और ढेर सारे कजन्स। सो दिस इज अ ज्वाइंट फैमिली। टिक कर लिया आप लोगों ने, ब्रिलियंट। अब आपको जो है आगे छोटे छोटे वर्ड यानी एक दो वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स। तो एक या दो शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज आर देयर? हाउ मैनी मतलब कितने, और काइंड्स मतलब हो गया प्रकार। तो कितने प्रकार की फैमिलीज हैं, पता है ना आंसर? यस, थ्री। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फैमिलीज। तो हम सिर्फ यहां पर क्या लिख देंगे, थ्री। Which kind of family has less number of members, joint or small? Which kind मतलब किस तरह की फैमिली में कम मेंबर्स होते हैं, कम सदस्य होते हैं, ज्वाइंट में या फिर स्मॉल में? सिंपल आंसर है, क्या है आंसर सिंपल इसका, स्मॉल। Which kind of family does Rahul have? राहुल की किस तरह की फैमिली थी? तो वेल, पीछे पलटिए और देखिए तो राहुल के परिवार में कितने सदस्य थे? आई थिंक राहुल फैमिली हैड सिक्स मेंबर्स। तो इसलिए राहुल का परिवार कौन सा था, लार्ज फैमिली। तो यहां पर लिखेंगे हम लार्ज। स्पेलिंग याद है ना? नहीं याद है अगर तो फिर से पीछे चैप्टर पलटिए और लार्ज वर्ड की स्पेलिंग को याद कर लीजिए आप। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन। अब इन क्वेश्चंस का आंसर हमें एक लाइन में करना है। गुड, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फैमिली। तो आप क्या करिएगा, तो बुक को पीछे पलटिएगा। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन मेक अ फैमिली।
हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ लार्ज फैमिली? लार्ज फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं? वेल, वी कैन सिंपली आंसर दैट अ लार्ज फैमिली और देयर आर मोर देन फोर मेंबर्स इन अ लार्ज फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर पेरेंट्स? पेरेंट्स कौन है? वेल, द आंसर इज राइट हियर। फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स, राइट? पापा और मम्मी क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स कहलाते हैं। तो आपने सक्सेसफुली इसका भी आंसर कर दिया। नाउ इन दिस केस यू विल हैव टू राइट टू और थ्री लाइंस। तो इन क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें टू या थ्री लाइंस में करना है। हु लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली? वेल, यू कैन सी दैट मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट एंड कजन्स ऑल लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली, राइट? नेक्स्ट इज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज आर देयर? तो इसका आंसर होगा देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फैमिलीज। आगे लिखे क्या है, पूछता है नेम देम, उनका नाम भी लिखना है। सो हम क्या लिखेंगे, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फैमिलीज, डैश देखे स्मॉल, लार्ज एंड ज्वाइंट। अब चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमें मिलके सोचना है इसके बारे में। रजत लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर इन मुंबई। ओके, रजत जो है वो मुंबई में अपने मम्मी और पापा के साथ रहता था। व्हेन हिज फादर गॉट ए जॉब इन दिल्ली, दे शिफ्टेड विद हिज अंकल्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जब उसके पापा को दिल्ली में नौकरी लगी तो वो जो है उसके अंकल्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गए। इज हिज फैमिली अ स्मॉल फैमिली और अ ज्वाइंट फैमिली नाउ? तो क्या अब रजत का परिवार जो है वो स्मॉल फैमिली है या फिर ज्वाइंट फैमिली है, क्या लगता है आपको? अब देखिए, मेरे ख्याल से तो रजत जब मुंबई में था अपने मम्मी पापा के साथ तब तो उनकी स्मॉल फैमिली थी, लेकिन अब चूंकि वो अपने अंकल्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शिफ्ट कर गए हैं तो अब ये ज्वाइंट फैमिली हो गई ना, क्योंकि सब रहते हैं साथ में। ऑलराइट, नाउ हियर यू हैव टू कंप्लीट योर फैमिली ट्री। इसमें आपको अपने मम्मी पापा की मदद चाहिए होगी। ओके, फैमिली ट्री क्या होता है? तो अ फैमिली ट्री टेल्स अस अबाउट द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। फैमिली ट्री जो है वो हमें परिवार के सदस्यों के बारे में बताता है। तो आपको अपना फैमिली ट्री बनाना है और इस ट्री पे अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लिखना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? चलिए, पापा का नाम लिखा हमने और मदर का यानी कि मम्मी का नाम लिखा। फिर पापा के जो पापा थे तो ग्रैंडफादर हुए वो, तो उनका नाम यहाँ लिखिएगा। पापा की जो मम्मी थी उनका नाम यहाँ लिखिएगा आप, ग्रैंड मदर। मम्मी के जो पापा थे वो भी आपके ग्रैंडफादर हुए, हमारे यहाँ उनको नाना जी कहते हैं, है ना, तो उनका नाम यहाँ पर लिखिएगा आप। और फिर मम्मी की जो मम्मी थी, हमारे यहाँ उन्हें नानी कहते हैं लेकिन इंग्लिश में ग्रैंड मदर हुई वो, तो उनका नाम यहाँ पर, ठीक है? तो ऊपर में दादा दादी, नाना नानी, पापा और मम्मी, सबका नाम लिखा आपने, अपना नाम भी तो लिख लीजिए यहाँ पर अब, राइट? आपने अपना नाम लिखा। फिर आपके जो भाई हैं, अगर कोई भाई है आपका तो उसका नाम यहाँ पर लिखिएगा, अगर आपकी कोई बहन है तो उसका नाम जो है आप यहाँ पर लिखिएगा, अगर एक से ज्यादा भाई होंगे तो उनका सबका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, और एक से ज्यादा अगर बहनें होंगी तो उन सबका नाम यहाँ पे लिखना है। तो इस एक्टिविटी को फटाफट पूरा कर लीजिए आप। ओके, ग्रेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग। नाउ परिवार में जो है कोई ना कोई मेंबर तो ऐसा होगा जिसको कि आप सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। होम डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली? आप अपने परिवार में किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? राइट द नेम एंड पेस्ट द फोटोग्राफ ऑफ दैट पर्सन हियर। तो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने परिवार में
उनका नाम लिखिए और उनका फोटो यहां चिपका दीजिए। ऑल्सो राइट टू थिंग्स विच यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर फेवरेट पर्सन। तो आप दो चीजें लिखिए जो कि अपने फेवरेट पर्सन में आपको सबसे ज्यादा पसंद है। सो लेट्स से दैट इफ आई लव माई मदर द मोस्ट, सो आई विल राइट दैट शी इज काइंड, राइट, एंड शी गिव्स मी गुड फूड, राइट। अच्छी बात हुई ना उनके बारे में। तो आप क्या करिए, तो वीडियो को पॉज करके और इस एक्टिविटी को पूरा करिएगा। ऑल राइट, सो वेल स्टूडेंट्स, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय बाय।